केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता मिशन NIPAM के तहत जयपुर के निर्वाण विश्वविद्यालय में आज बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉ. सतीश कुमार ने बौद्धिक संपदा अधिकार कानून की जानकारी दी। कुलपति डॉ. अरविंद कुमार अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से छात्रों को बौद्धिक संपदा अधिकार कानून के बारे में जागरूक किया गया। ये जो हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, ये निर्वाण विश्वविद्यालय ने इसको आयोजित किया है, जिसमें हमको मंत्रालय भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से सहयोग मिला है, जहाँ से डॉक्टर सतीश मीणा जो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन है वहाँ से आए हैं और वो हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों विद्यार्थियों उन सबको उनकी जागरूकता बढ़ा रहे हैं पेटेंट्स और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। हमारे जो वैज्ञानिक हमारे शिक्षक जो नया नया अनुसंधान कर रहे हैं विद्यार्थी को नई चीज़ें बना रहे हैं ला रहे हैं तो उसको किस तरह से पेटेंट कराएं इसकी जागरूकता इसकी प्रक्रिया क्या है इसके लिए क्या करना होता है ये सब जान पाएं इसके लिए हमने वर्कशॉप ये कार्यशाला आयोजित की है। भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है NIPAM नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। तो इसके द्वारा पूरे देश में हम अवेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेज़ में और स्कूल्स में। इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में कि हमारे देश में जो अनविज्ञता है IPR राइट्स को लेकर के और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए लगभग पूरे देश में 15 अगस्त 2022 तक ये प्रोग्राम रहेगा। सिर्फ इसका मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लोगों को अवेयर कर चुके हैं। विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कई सारी वैरायटीज़ पे काम कर रहा है, जिसलिए उनके छात्रों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस तरह से कंजर्व की जाती है, किस तरह से ट्रेडमार्क फाइल किए जाते हैं, किस तरह से GI फाइल की जाती है, इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।